एक जंगल में टुनटुनी कबूतर और कौवा साथ बड़े ही प्यार से रहा करते थे। कौवा टुनी टुनटुनी और कबूतर से कहता है, बहुत दिन हो गए इस जंगल में, अब मन नहीं लगता। चलो दूसरे जंगल में चलते हैं, कुछ दिन वहीं पर रुक कर आएंगे। तो टूनी चिड़िया कहती है, अरे वहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है, अगर हम वहाँ पर गए तो वो हमें मार के खा जाएगा। कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, तुम तो बेवजह डरती हो, कोई वहाँ पे राक्षस नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो हम उसे मार देंगे। तुम हमें बेवजह डरा रही हो, हम वहाँ पर ना जाएं, हम तो ज़रूर जाएंगे, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो। सभी दूसरे जंगल में जाने के लिए राजी हो जाते हैं और दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। टूनी चिड़िया कहती है, इस गुफा में वही राक्षस रहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना वो राक्षस हम सभी को मार के खा जाएगा। तुम तो कबूतर कहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें कोई मार के नहीं खाएगा, और तुम हमें बेवजह डराना बंद करो। कौवा कहता है, चलो इस गुफा में अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है, बड़ा ही मज़ा आएगा। टूनी चिड़िया उन दोनों से बहुत मना करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं मानते। कौवा टूनी और टुनटुनी से कहता है, अगर तुम दोनों को हमारे साथ गुफा में अंदर चलना है तो चलो, वरना मैं और कबूतर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। टूनी टुनटुनी वहीं पर रुक जाते हैं और कबूतर और कौवा गुफा में अंदर चले जाते हैं। गुफा में अंदर जाकर कौवा कबूतर से कहता है, यहाँ नज़ारा काफ़ी अच्छा है, और वह टुनटुनी और टूनी हमें बेवजह डरा रहे थे, यहाँ पे कोई राक्षस नहीं है। अब ऐसा करते हैं, उन दोनों को भी यहाँ पर बुला के लाते हैं। कबूतर और कौवा गुफा के अंदर होते हैं। टूनी और टुनटुनी बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कौवा और कबूतर बाहर नहीं आते हैं। टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी कि अंदर राक्षस रहता है, उस राक्षस ने उन दोनों को खा लिया होगा या पकड़ लिया होगा, अब क्या करें? तो टुनटुनी टूनी से कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, चलो हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या कारण है, वो हमारे पास क्यों नहीं आए। टूनी और टुनटुनी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कौवा और कबूतर को उस राक्षस ने बंदी बना रखा है। टूनी चिड़िया राक्षस से कहती है, हमें छोड़ दो और जाने दो। राक्षस कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें रोज मेरे लिए मीट लाना पड़ेगा और मेरा पेट भरना पड़ेगा। टूनी चिड़िया राक्षस की सारी बातों को मंजूर कर लेती है और कहती है, अब हमें बाहर जाने दो, हम आपके लिए मीट का इंतजाम करने के लिए जाते हैं। राक्षस मान जाता है और उन्हें छोड़ देता है। सभी पक्षी मिलकर गुफा के आगे एक पत्थर लगा देते हैं और गुफा को बंद कर देते हैं। टूनी चिड़िया टुनटुनी कबूतर और कौवा से कहती है, चलो उस राक्षस से हमारी जान छूटी, अब हम इस जंगल को छोड़ के चले जाते हैं, और दोबारा इस जंगल में अब कभी नहीं आएंगे। कबूतर कहता है, तुम ठीक कहती हो टूनी, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, अब हम यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए और फिर यहाँ लौट के कभी नहीं आएंगे।